माताओं बहनों सादा जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव की कथा सुनाने जा रहे हैं। गोवर्धन पूजा की जो कथा है उसको आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री गोवर्धन नाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे, उनकी कृपा दृष्टि आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उन्नति करें, आगे बढ़े, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भगवान गोवर्धन नाथ अद्भुत जो है पराक्रम उनके अंदर है और अद्भुत और दिव्य शक्ति भगवान गोवर्धन नाथ की है। भगवान गोवर्धन नाथ जिस पर कृपा दृष्टि करते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है और भव सागर से उसका जो है उद्धार हो जाता है। उसकी जीवन में कभी भी कोई कष्ट और संकट नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है, यानी दीपावली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का आयोजन होता है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी दिवाली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है और इसी दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भी होगा, क्योंकि ये दोनों आयोजन एक साथ ही संपन्न होते हैं। जब भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा भगवान गोपाल कृष्ण के द्वारा की गई थी उसी समय उनको 56 भोग लगाए गए थे और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया था। इन शुभ मुहूर्तों में आप भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, गौ माता की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन गौ माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा गौ माता की रक्षा और सुरक्षा का संकल्प भी हमको करना चाहिए। आज के समय में जिस प्रकार हम देखते हैं कि गौ माता का जो है कोई भी आदर नहीं कर रहा है, कोई भी सम्मान नहीं कर रहा है, और गौ माता की रक्षा और सुरक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। गौशालाएं जो चल रही है वहां पर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार उन गायों को संरक्षण दिया जाता है और हम उन गौशालाओं में जाकर के सहयोग करें और उनकी जो है सेवा करें। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि गोवर्धन पूजा पर हम गौ माता की रक्षा तथा सुरक्षा का संकल्प धारण करें और देश में, प्रदेश में और इस दुनिया में जितनी भी गौ माताएं हैं उन सबकी रक्षा और सुरक्षा हमारे माध्यम से निरंतर होती रहे। जब गौ माता की सुरक्षा होगी तो संसार की सुरक्षा होगी, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए हमको सबसे पहले यदि भगवान गोवर्धन नाथ की कृपा प्राप्त करनी है तो गौ माता की सेवा करना चाहिए और उनके निमित्त दान पुण्य भी हमको करना चाहिए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, साथ ही गाय और बैलों का भी श्रृंगार इस दिन किया जाता है और उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। गोवर्धन पूजा द्वापर युग से चली आ रही है और गोवर्धन पूजा ठीक दिवाली के अगले दिन की जाती है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इंद्र के अहंकार को तोड़ा था। उसी समय से गोवर्धन पूजा की परंपरा निरंतर चली आ रही है और आज भी हम सभी मिलकर के गोवर्धन पूजा महोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं। गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन की जाती है। इस पर्वत को भगवान कृष्ण के रूप में ही पूजा जाता है। गोवर्धन ब्रज में स्थित एक छोटा सा पहाड़ है, लेकिन इसकी मान्यता बहुत अधिक है। ऐसा माना गया है कि दक्षिण में जो है तिरुपति माला यानी तिरुमाला पर्वत या तिरुपति बालाजी और उत्तर भारत में गोवर्धन नाथ भगवान आज भी इस पृथ्वी पर साक्षात रूप से विराजित है।
गोवर्धन पर्वत को पर्वतों का राजा कहा गया है। यह पर्वत द्वापर युग से ही ब्रज मंडल में स्थित है, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। और यमुना नदी ने तो समय समय पर अपनी दिशा बदल ली है, लेकिन गोवर्धन पर्वत युगों युगों से आज भी एक ही स्थान पर खड़ा हुआ है, आज ही एक ही स्थान पर स्थित है। और गोवर्धन नाथ यानी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। 7 कोस की परिक्रमा इनकी होती है, लगभग 21 किलोमीटर की गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती है। और गोवर्धन पर्वत की जो मनुष्य परिक्रमा कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, तथा उसके जीवन पर भगवान गोवर्धन नाथ की अपार कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। पुराणों में गोवर्धन पर्वत का वर्णन पर्वतों के राजा के रूप में वर्णन किया गया है और इसे भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बताया है। माना जाता है कि पृथ्वी पर इसके समान कोई दूसरा तीर्थ है ही नहीं। गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, उनका श्रृंगार किया जाता है, उनको सजाया जाता है, क्योंकि गौ माता से ही अपने जीवन के सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें समस्त वस्तुओं की प्राप्ति होती है। गोवर्धन पूजा के दिन आपको प्रातः जल्दी उठना है और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार या आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की यानी गोवर्धन भगवान की आकृति, गोवर्धन पर्वत और उनके आसपास ग्वालों और पेड़ पौधों की आकृति बनाना चाहिए। यदि आप अपने घर में नहीं बना सकते हैं तो जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर गोवर्धन पूजा संपन्न होती है या गौशाला में होती है या जिन घरों में गौ माता का पालन किया जाता है उन घरों में गोवर्धन पूजा होती है, वहां पर जाकर के आपको गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। और गोवर्धन भगवान की आकृति बनाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रख करके गोवर्धन धर धराधर गोकुल प्राण कारक विष्णु भावु कृतोच्छाय गवाम कोटि प्रभो, इस प्रकार भगवान का स्मरण करना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन करने के लिए सभी प्रकार के नैवेद्य शुद्ध तरीके से हमको सबसे पहले तैयार करना चाहिए और शुद्ध नैवेद्य ताजा भोजन उनके लिए अच्छी प्रकार से अनेक प्रकार के मखाने या अनेक प्रकार के जो मिष्ठान्न होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसके अलावा मिठाइयां होती है, वो सब उनके लिए तैयार करें। और समस्त भोजन सामग्री तैयार करने के बाद में गोवर्धन भगवान को आप सबसे पहले जल से स्नान कराएं, उसके बाद उनको दूध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, घी से स्नान कराएं और उसके बाद शहद से और शक्कर से उनको स्नान कराएं, मिलित पंचामृत से, केसर के जल से तथा केसर युक्त दूध से उनको स्नान कराएं। और इन सब वस्तुओं का स्नान होने के बाद भगवान गोवर्धन नाथ को चंदन के जल से स्नान कराना चाहिए और उसके पश्चात उनको वस्त्र यानी पीतांबर ओढ़ाना चाहिए, जनेऊ जोड़ा यज्ञोपवीत उनको चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उनको जो है आप सुगंधित पुष्प और तुलसी पत्र चढ़ाएं, उसके बाद उनको धूप तथा दीप दिखाएं और उसके बाद अनेक प्रकार के नैवेद्यम का भोग उनको लगाया जाता है। वैसे तो गोवर्धन नाथ भगवान को 56 भोग का नैवेद्यम लगाया जाता है, यदि आप 56 भोग नहीं चढ़ा सकते हैं तो केवल चावल और अन्य कुछ मीठी वस्तु या फल आदि का भी भोग उनको लगा देंगे तो वो आपके भोग को स्वीकार करेंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत ग्वाल बालों और पेड़ पौधों का भी इसी प्रकार पूजन अर्चन करना चाहिए। पूजन के बाद भगवान श्री कृष्ण को मिठाई का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद प्रसाद के रूप में आरती करके सबको प्रसाद वितरण करना चाहिए और स्वयं को भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन गौ माता का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, बेल का भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इसलिए सबसे पहले गौ माता को स्नान कराएं, मेहंदी लगाएं, हल्दी लगाएं और बेल को भी स्नान करके उनका भी श्रृंगार करना चाहिए। अगर आपके यहाँ गाय और बैल नहीं है तो उनके फोटो का भी आप पूजन कर सकते हैं या उनकी मूर्ति का भी आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा अवश्य करें। जो मनुष्य गोवर्धन पर्वत का पूजन करके गोवर्धन पूजा के दिन उनकी परिक्रमा करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं सब कुछ नष्ट हो जाती है एवं उसके घर में दशों दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का आगमन होता है।
इसके बाद भगवान कृष्ण की और गोवर्धन पर्वत की आरती उतारना चाहिए। गोवर्धन पर्वत पर गो माता को घुमाना चाहिए, उनको चलाना चाहिए। द्वापर युग में ब्रज में इंद्र की पूजा का विधान था। एक बार सभी ब्रजवासी इंद्र देवता की पूजा कर रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण पूजा स्थल पर पहुंचे और इस बारे में सभी ब्रजवासियों से पूछा कि तुम गोवर्धन नाथ की पूजा छोड़ करके इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो। तब ब्रजवासियों ने कहा कि उत्तम वर्षा के लिए हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। प्रतिवर्ष अच्छी वर्षा हो, ब्रज मंडल में अच्छी फसल उत्पन्न हो, इसलिए हम सब गोवर्धन नाथ की पूजा को न करके और इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र देवता ही वर्षा करते हैं। यह सुन करके भगवान कृष्ण ने, भगवान गोपाल ने समस्त गोकुल वासियों को समझाया कि तुम गोवर्धन नाथ की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन नाथ साक्षात नारायण है और उनके अधीन इंद्र है। जब गोवर्धन नाथ आदेश करेंगे तभी तो इंद्र वर्षा करेंगे, अन्यथा इंद्र कैसे अपने मन से वर्षा कर सकते हैं। और नाथों के नाथ ही गोवर्धन नाथ, इसलिए हम सभी ब्रजवासियों को मिलकर के, गोकुल वासियों को मिलकर के गोवर्धन पर्वत का पूजन करना चाहिए। तब नंद बाबा, यशोदा माता और समस्त ब्रजवासियों ने कान्हा को समझाया कि बेटा तुम जिद मत करो, तुम जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि यदि इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे तो उनके कोप से हमारी रक्षा कौन करेगा। इसलिए इस परंपरा को निरंतर चलने दो और इस परंपरा का निर्वहन तुम होने दो, इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित मत करो। तब कान्हा ने, बाल गोपाल ने कहा कि मैया मैं सच कह रहा हूं, आप एक बार गोवर्धन नाथ की पूजा करो, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि वो साक्षात नारायण है और उनकी कृपा से ही इंद्र वर्षा करते हैं और उनकी कृपा से ही समस्त सृष्टि का संचालन होता है। इसलिए आप सभी मेरी बात को मान लो और एक बार गोवर्धन पर्वत की पूजा तो करो, तो निश्चय ही हमारे ब्रज मंडल में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और हमारे ब्रज मंडल में कोई भी संकट और कष्ट नहीं आएगा। सारे ब्रजवासियों ने बाल गोपाल कृष्ण भगवान की बात को मान लिया और समस्त भोग तैयार किए गए, 56 भोग तैयार किए गए और सभी भोग सामग्री लेकर के गोवर्धन पर्वत पर पहुंचते हैं। सबसे पहले गोवर्धन पर्वत के सामने सभी खड़े हो जाते हैं। तब सभी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी हाथ जोड़ करके गोवर्धन नाथ का, गोवर्धन पर्वत का स्मरण करो, सबसे पहले इनका आवाहन करो, इनका ध्यान करो। सभी गोवर्धन नाथ की जय जयकार लगाते हैं, बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय। और उसके बाद में जो है सभी ब्रजवासियों से भगवान कहते हैं कि आप सभी गोवर्धन पर्वत को जल से स्नान करवाओ। सभी मिल करके जल से उनको स्नान करवाते हैं और स्नान करवाने के लिए यमुना जी से जल ले लेकर के आते हैं। लगातार सारे ब्रजवासियों ने लाइन लगा दी और यमुना जी चूंकि वहां से दूर थी और इतनी दूर से जल ला करके और गोवर्धन पर्वत को स्नान कराना उनके लिए बड़ा कठिन कार्य होता जा रहा था, क्योंकि गोवर्धन पर्वत तो बड़ा भारी था और उनको स्नान करवाने में बहुत से जल की आवश्यकता थी। लगातार स्नान करवाते जा रहे थे लेकिन उनका तो नख भी गीला नहीं हो पा रहा था। समस्त ब्रजवासी बड़े परेशान हो चुके थे। उन्होंने बाल गोपाल से कहा कि कन्हैया हम तो निरंतर कई दिनों से यमुना जी से जल ला करके गोवर्धन पर्वत को स्नान करा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे गोवर्धन नाथ महाराज का तो नख भी गीला नहीं हुआ है। ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे हम सरलता से इनको स्नान करा सके। उसी समय सभी से कहा कि आंख बंद करके ध्यान करो, और उसी समय आंख बंद करके सभी ने स्मरण किया तो वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। देखा तो मानसी गंगा वहां पर प्रकट हो गई और समस्त ब्रजवासियों ने मानसी गंगा से जल ले लेकर के गोवर्धन नाथ महाराज को अच्छी प्रकार से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद दूध से स्नान करवाया, दही से स्नान करवाया और उसके बाद उनको घी से स्नान करवाया। घी से स्नान करवाने के बाद शहद से स्नान करवाया, शकर से स्नान करवाया, पंचामृत से स्नान करवाया तथा केसर युक्त जल से स्नान कराया और अनेकों पदार्थ से भगवान गोवर्धन नाथ को सभी ने स्नान कराया।
स्नान करवाने के बाद उनको पीतांबर ओढ़ाया गया और उसके बाद उनको पुष्प धारण करवाए गए, यज्ञोपवीत पहनाया गया और तुलसी पत्र उनको चढ़ाए गए। उसके बाद धूप और दीप लगाने के बाद में उनके ऊपर जो है सामने की तरफ में नैवेद्यम सबने धरना प्रारंभ किया। सभी ब्रजवासी जो अपने घरों से नैवेद्यम यानी भोग की सामग्री बना बना करके लाए थे, वो सभी 56 भोग उनके सामने निरंतर रखते जा रहे थे और सारा भोग वहां पर रख चुके थे। तब सभी ब्रजवासी कहते हैं कि हे गोपाल, हे कान्हा, अभी तक तुम्हारे गोवर्धन नाथ महाराज यहाँ पर आए नहीं हैं और इस भोग सामग्री को कौन ग्रहण करेगा, कौन स्वीकार करेगा? तब कान्हा ने कहा कि ब्रजवासियों, आप सभी आंख मूंद करके ध्यान करिए, अभी आपके सामने गोवर्धन नाथ महाराज प्रकट हो जाएंगे और आपके द्वारा दी गई समस्त भोग सामग्री को वो स्वीकार कर लेंगे। आपने जो भोग धरा है उसको अवश्य ही भगवान स्वीकार कर लेंगे। सभी ब्रजवासियों ने आंख मूंद करके भगवान गोवर्धन नाथ का स्मरण किया और जोर से उनका जयकारा लगाया। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय। जैसे ही उन्होंने भगवान का जोर से जयकारा लगाया, भगवान गोवर्धन नाथ वहां पर प्रकट हो गए। जब भगवान गोवर्धन नाथ वहां पर प्रकट हो गए तो भोग सामग्री वो स्वीकार करते जा रहे थे, भोग आरोपते जा रहे थे और सभी ब्रजवासियों द्वारा जो जो भी सामग्री वहां पर रखी गई थी, जो उनके सामने रखी गई थी, उसको वो निरंतर जो है ग्रहण कर रहे थे। गोवर्धन नाथ महाराज जब बहुत देर तक भोग सामग्री ग्रहण कर रहे थे तो जो भगवान का एक सखा था, वह जो मधुमंगल था और मधुमंगल ब्राह्मण था, निर्धन ब्राह्मण का पुत्र था, चूंकि भगवान का सखा था और भगवान उससे अत्यधिक प्रेम करते थे। मधुमंगल ने कहा कि कान्हा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे गोवर्धन नाथ महाराज कई दिनों से भूखे हैं और भूख के कारण ये निरंतर भोजन करते ही जा रहे हैं। तो मधुमंगल को भगवान ने समझाया कि सखा, ऐसा मत बोलो, भगवान भोग स्वीकार कर रहे हैं और जब भगवान भोग हमारे द्वारा दिया हुआ स्वीकार करते हैं तब इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं। हम तो उनके लिए श्रद्धा से भक्ति से भोग रखने के लिए आए हैं, उनको ही भोग हम धराने के लिए यहाँ पर आए हैं, फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मधुमंगल को समझाया तो वो मान गया, लेकिन उसने फिर से कहा कि लाला, मैं ये कह रहा हूं कि हम जो है इस भोग प्रसाद में से कुछ प्रसाद लेना चाहेंगे तो हमारे लिए बचेगा या नहीं बचेगा? तब भगवान ने कहा कि सखा, हमारे लिए अवश्य ही प्रसाद हमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पहले प्रभु भोग स्वीकार कर लेंगे। जब तक प्रभु का भोग नहीं लग जाता है तब तक हमें इस प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहिए। हम तो उनके द्वारा दिए हुए प्रसाद को अवश्य ग्रहण कर लेंगे, लेकिन हमारे प्रभु गोवर्धन नाथ भगवान जब तक भोग स्वीकार कर रहे हैं तब तक हम सभी आंख बंद करके उनका ध्यान करते रहें, उनकी जयकारा लगाते रहें, उनके मंत्रों का जाप करते रहें, उनके नामों का स्मरण करते रहें। इसके बाद बहुत समय हो गया और भगवान गोवर्धन नाथ निरंतर भोग को स्वीकार करते जा रहे थे। भोग स्वीकार हो गया, सबने गोवर्धन नाथ महाराज की जय जयकार लगाई और उसके बाद इंद्र को समाचार प्राप्त हुआ कि ब्रज मंडल में तुम्हारी पूजा को बंद कर दिया गया है और वहां पर सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। जैसे ही इंद्र को यह जानकारी मिली तो वह बड़ा कुपित हो गया, क्रोधित हो गया और उसने अपने सभी मेघ गणों को आदेश दे दिया कि जाओ ब्रज मंडल में भयंकर बरसात कर दो, सारे ब्रज मंडल को पानी में डुबो दो, कहीं पर भी सूखा मत रहने देना। तुरंत ही इंद्र के जो गण थे, मेघ थे, उन्होंने आकर के ब्रज मंडल में तड़ातड़ बरसात करना प्रारंभ कर दिया और भयंकर बरसात वहां पर होने लगी। और जब सारे ब्रजवासी चिंतित हो गए तब भगवान ने उनसे कहा कि चिंता मत करो, सबकी रक्षा होगी, किसी भी प्रकार से आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। ब्रजवासी कहने लगे कि लाला, हमने तो पहले ही कहा था कि तुम इंद्र देवता को नाराज मत करो, इंद्र देवता कुपित हो गए हैं क्योंकि उनकी पूजा को हमने बंद कर दिया है और इंद्र की जब पूजा बंद हो चुकी है इसलिए इंद्र देवता नाराज हो चुके हैं, अब तुम ही हमारी रक्षा करो।
नहीं तो हम सब इस पानी में डूब करके बह जाएंगे और पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाएगा। तब कृष्ण गोपाल कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासियों चिंता मत करो, और तुरंत ही भगवान ने अपनी छोटी वाली उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, गोवर्धन पर्वत को ऐसे ऊपर उठा दिया और सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए, खड़े हो गए। चारों तरफ जो है भयंकर मूसलाधार बरसात हो रही थी और सारा ब्रजमंडल पानी ही पानी होता जा रहा था। सारे ब्रजमंडल में भयंकर बरसात हो रही थी, लेकिन पानी कहां जा रहा था किसी को पता नहीं लग पा रहा था, और जितना भी वर्षा का जल वहां पर आ रहा था वह सभी सूख करके धूल बन जाता था और पूरा का पूरा पानी सूख सूख करके जो है समाप्त होता जा रहा था। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो गए और निरंतर कई दिनों तक गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े रहे। जब गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया तो सारे ब्रजवासियों ने कहा कि लाला तुम्हारी एक छोटी सी उंगली है और तुम थक गए होगे, तनिक हम भी जो है अपनी लकड़ियों का अपनी जो लाठियां हैं उनका जो है सहारा बना देते हैं और गोवर्धन पर्वत को उसके ऊपर टिका देते हैं। तब भगवान ने कहा कि नहीं, मैं अपनी छोटी उंगली पर धारण कर रहा हूं, आप निश्चिंत हो जाइए। तब सारे ब्रजवासियों ने कहा कि तुम थक गए होंगे और अपनी उंगली को थोड़ी देर के लिए हटा लो और हम अपनी लकड़ियों का सहारा गोवर्धन पर्वत के नीचे लगा देते हैं। तो भगवान ने जैसे ही थोड़ा सा अपनी उंगली को ढीला किया तो देखा तो सारी लाठियां तड़ तड़ करके टूट गई और गोवर्धन पर्वत को पुनः भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब ब्रज मंडल में इतनी घनघोर बरसात हो रही थी तो सारा पानी गया कहां? सारा पानी जो है ब्रज मंडल को डुबा भी नहीं सका और धूल बन करके लगातार इधर उड़ने लगी, और इस प्रकार का जो प्रताप था कृष्ण कन्हैया का था, गोपाल कृष्ण का था। तभी से भगवान का नाम गिरिराज धरण हुआ। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। ये चमत्कार प्रभु ने 11 वर्ष और 56 दिन की आयु के अंदर ही कर दिया था। इस प्रकार वो जो जल था उसको सुखाने के लिए भी प्रभु ने व्यवस्था कर रखी थी। प्रभु ने जो है अपनी दिव्य शक्तियों से जो है उस जल को सुखाते जा रहे थे। जब इंद्र को पता लगा कि मैंने ब्रजमंडल में इतनी घनघोर वर्षा की है और ब्रजमंडल में जाकर के देखो कि ब्रजमंडल पूरा डूब गया है या नहीं डूबा है, तो अपने गणों को जब उसने आज्ञा दी तो वहां जाकर देखा तो वहां कोई जल नहीं है, चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही है। तब उसने आकर के और देखा तो साक्षात नारायण के दर्शन किए और गोपाल कृष्ण को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगी कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया था, मैं आपको पहचान नहीं पाया था, हे नारायण हे सर्वेश्वर मुझे आप क्षमा कीजिए। इस प्रकार इंद्र को उन्होंने क्षमा कर दिया। इस प्रकार भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा की और कथा की जो श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में स्थाई लक्ष्मी का निवास होता है और उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति 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 दायकम। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय।
भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद यदि आप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि पहुंचा करके कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।